जय जिनेन दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंशु जैन, आज मैं आपको समय शिखर की यात्रा पर ले जा रही हूँ। आज हम नई दिल्ली से बैठ रहे हैं। ये देखिए, हम कालका एक्सप्रेस आ चुकी है और कालका एक्सप्रेस में हम काफ़ी सारे यात्री हैं जो इसमें बैठे हुए हैं। हमारे साथ और भी यात्री हैं। ये देखिए, हमारी फटाफट चैनल की एंकर हैं जो कि यात्रियों से पूछताछ कर रही हैं कि आप कौन सी यात्रा पर जा रहे हैं, कितनी बार आप समय शिखर जा चुके हैं। तो ये देखिए, हमारा हम सारे परिवार वाले एक साथ इकट्ठे होकर इस बार समय शिखर जी की यात्रा पर जा रहे हैं। और जो भगवान 23वें तीर्थंकर हैं हमारे पार्श्वनाथ, उनका निर्वाण प्राप्त हुआ था और उन्हीं के लड्डू का जो उत्सव है उसी पर हम सब लोग इकट्ठे होकर जा रहे हैं। सभी यात्री हंसते और मस्ती करते हुए देखिए आगे बढ़ रहे हैं। और इनमें से एक जो यात्री है उनका देखिए हैप्पी बर्थडे भी है उसी दिन, और वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे। परिवार भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो उन्होंने यहाँ पर ट्रेन में ही सारे यात्रियों के साथ ही अपना जो बर्थडे है वो मनाया है। ये देखिए, उनका जो बर्थडे है वो सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो पूरी तैयारी के साथ आए थे कि उन्हें सबके साथ ही यहाँ पर बर्थडे मनाना है अपना। और ये देखिए, सभी लोग उसमें शामिल हुए हैं और कितना अच्छा लग रहा है। ये मतलब यहाँ के संस्कार ही है हमारे यहाँ के, कि सारे लोग जो भी बर्थडे मनाते हैं वो अपने परिवार के साथ ही मनाते हैं। माता पिता उनका आशीर्वाद लेते हुए अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर ये देखिए अपना जन्मदिन मना रहे हैं। भजन गाते गाते हमें समय का पता ही नहीं चला और हमारी यात्रा समाप्त हो गई है। अब हम पारसनाथ स्टेशन पर आ चुके हैं। यहाँ से हमें समय शिखर तक जाने के लिए वैन करनी पड़ेगी, और वो वैन जो है यहाँ पर मिलती है वो 100 रुपये पर सवारी लेती है। और आपको तो पता ही होगा कि श्री समय शिखर जी झारखंड राज्य के गिरडी ज़िले में है और जो कि छोटा नागपुर की पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी पर ही विश्व का सबसे जो पवित्र स्थान है ये जैन तीर्थ स्थल है, श्री समय शिखर जी के नाम से जाना जाता है। ये सब तो आप जानते ही होंगे। आप देखिए, हम गिरडी ज़िले में आ चुके हैं और ये हमने धर्मशाला ली है। यहाँ पर हम कमरे खुलने का वेट कर रहे हैं क्योंकि हम मॉर्निंग आवर में सुबह सुबह पहुँच चुके हैं, तो अभी कार्यालय खुला नहीं है। और ये देखिए, मौसम कितना अच्छा है। हम फ्रेश होकर नहा धोकर तैयार हो गए हैं। हमें आसपास के जितने भी समय शिखर जी में जो मंदिर है नीचे, उनके दर्शन करने के लिए जाना है, तो हम सब रेडी हैं वहाँ पर जाने के लिए। हमने गुणायतन के जो बगल वाली जो धर्मशाला है उसी को लिया है। और यहाँ पर कमरों की कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, कम से कम पर हेड 600 रुपीज़ पड़ता है 3 डेज़ का ओनली। तो आप यहाँ पर इजीली धर्मशाला ले सकते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर, यहाँ पे सभी तरह की धर्मशाला आपको मिल जाएंगी। और भी खाने पीने की, भोजनालय की, और 20-25 कोटी है जो उसमें, वहाँ पर आपको अच्छे से नाश्ता भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर भी नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह, यहाँ पर सारी दुकानें अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। ये देखिए, हम गुणायतन में जो मध्य प्रदेश भवन है उसमें दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर देखिए, ये गुणायतन का जो मंदिर है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। प्रमाण सागर जी महाराज का चतुर्मास की स्थापना भी यहाँ पर हुई हुई है, तो हम शांति धारा के साथ साथ प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन के भी लाभ हुआ यहाँ पर आकर। ये देखिए, मुनि प्रमाण सागर जी महाराज शांति धारा करवा रहे हैं और उनके प्रवचन, उसके बाद उनके प्रवचन भी होंगे, तो हम उसके बाद उनके प्रवचन भी सुनने जाएंगे। आज के विधानपुर नगर सागर से दिशा जैन के दर्शन। जब तक गुणायतन का मंदिर अभी तैयार नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर नीचे मंदिर जी की व्यवस्था है, वहाँ पर जाकर आप दर्शन पूजा सभी का लाभ ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। और गुणायतन में ही जलपान गृह भी है, वहाँ पर आकर आप मंदिर जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर नाश्ता कर सकते हैं, चाय ले सकते हैं। और उसके बाद आप आगे जाके और भी जो मंदिर हैं जितने भी, उनके भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, गुणायतन का जो मंदिर है
वो अभी निर्माणाधीन चल रहा है, तो मैंने यहाँ पर अंदर जाकर देखा तो काफ़ी सारी मूर्तिकार और कारीगर यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सुंदर जो गुणायतन का मंदिर है वो बन रहा है। ये देखिए कल्प वृक्ष सम्मोसरण, यहाँ पर सभी जो खम्भे हैं उसमें किस तरह से नक्काशी और मूर्तियाँ जो है वो बनाई जा रही हैं, जो भी कार्य है वो सब यहीं पर हो रहा है। तो ये देखिए भगवान पार्श्वनाथ का जो लड्डू का जो उत्सव की तरह हमारा मनाया जा रहा है, और ये दूर दूर से जो लोग हैं अलग अलग राज्यों से यहाँ पर सम्मेलन शिखर पर भगवान पार्श्वनाथ के लड्डू के जो महोत्सव पर यहाँ पर आए हैं, और ये देखिए किस तरह से भक्ति में डूबे हुए हैं और नृत्य कर रहे हैं और खूब खुशी और भाव के सहित वो यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ के लड्डू के उत्सव पर जाना चाहते हैं। तो ये देखिए गुजरात से जो आए हुए हैं वो काफ़ी नृत्य कर रहे हैं और खूब खुश होकर भगवान का निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। हम शिखर जी से नीचे जो मंदिर हैं उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ये देखिए सामने आदिनाथ भगवान का मंदिर है, 13 पंथी कोटि 20 पंथी कोटि, यहाँ पर अलग अलग काफ़ी सारे मंदिर हैं, और इसके अलावा भी 14 से 15 मंदिर हैं जिनके दर्शनों के लिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके उसमें दर्शन करने के लिए जाएंगे। और ये देखिए अब हम आ गए हैं मध्यलोक है, ये मध्यलोक का मंदिर है। यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की पद्मासन की बहुत बड़ी प्रतिमा है, और ये काफ़ी बड़ा मंदिर है और काफ़ी खूबसूरत भी है। इसके बाहर भी ये देखिए किस तरह से मानस्तंभ बनाया गया है, ये भी देखिए आप काफ़ी खूबसूरत है। और इसके आसपास जो मंदिर के साइड में है वो नेचुरल गुफाएँ टाइप बनाई गई हैं, वहाँ पर भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए मध्यलोक के मंदिर के पीछे भी काफ़ी बड़ी बड़ी खड़गासन प्रतिमाएं हैं, जो अभी निर्माण कार्य उसका चल रहा है मंदिर का, वो अभी बना नहीं है पूरा तरीके से। तो वहाँ पर परम पूज्य विशुद्धमती माता जी का भी संग आया हुआ है, तो हम वहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। अब हम 13 पंथी कोटि की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए 13 पंथी कोटि का जो मंदिर है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, और हम वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर हैं, 24 ही बनी हुई हैं इसमें, और आप वहाँ पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए सिद्धायतन, यहाँ पर आचार्य मानितुंग मुनि किस तरह से, उनकी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो प्रतिमा अभी बोल ही जाएगी, इस तरह से इतनी खूबसूरत प्रतिमा बनाई गई है। तो हम सिद्धायतन के भी दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कितने सफ़ेद रंग के पाषाण की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, एक एक करके हम देखिए सारे जितने भी 13 से 14 जो मंदिर हैं, शांतिनाथ भगवान का, पार्श्वनाथ भगवान का, और पद्मावती माता, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, तो एक एक करके हमने सारे ही मंदिरों के आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। कहीं पर पद्मासन प्रतिमाएं हैं, तो कहीं पर खड़गासन प्रतिमाएं हैं, और कहीं पर 24 ही बनी हुई है। ये देखिए कितनी खूबसूरत, और उस दिन काफ़ी बारिश भी हो रही थी और हमने बारिश में भीग कर ही मतलब सारे मंदिर के दर्शन किए, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था, मौसम भी काफ़ी सही था। और आपको तो पता ही है कि पहाड़ों पर तो कभी भी बारिश हो सकती है, तो ये भी पहाड़ी इलाका ही है, तो यहाँ पर भी काफ़ी बारिश हो रही थी उस दिन। अब हम अत्यंत ही प्राचीन मंदिर जो है गांव में है भगवान पार्श्वनाथ का, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो कि कहते हैं कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और उसमें प्राचीन प्रतिमा भगवान पार्श्वनाथ की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है, जिनको मतलब देखते ही रहें ऐसा लगता है कि बस नज़र ही ना हटाएं, दर्शन करते ही रहें, उनको देख कर ऐसा ही लगता है। तो अब हमने एक ऑटो कर लिया है, और कम से कम 500 रुपये वो ऑटो वहाँ जाने का लेता है, क्योंकि मंदिर काफ़ी गांव के अंदर है और अत्यंत प्राचीन भी है और काफ़ी दूर भी पड़ता है, तो आप उसमें पैदल नहीं जा सकते, तो आपको वहां से ऑटो से ही जाना पड़ेगा। तो गुणायतन के बाहर से ही हमने वहां से ऑटो कर लिया था, और अब हम उसमें बैठकर भगवान पार्श्वनाथ के जो गांव का प्राचीन मंदिर है उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए अब हम प्राचीन मंदिर की तरफ पहुँच ही गए, ये द्वार है प्राचीन मंदिर का, अब हम अंदर चलते हैं। तो अंदर ये देखिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ, ये भगवान पार्श्वनाथ की प्राचीन प्रतिमा है और काफ़ी अद्भुत प्रतिमा है, और यहाँ पर ये देखिए कुआं भी है, यहाँ से देखिए कुएं से ये लोग पानी भी निकाल रहे हैं।
और यहाँ का जल अत्यंत ही शीतल और निर्मल है। कहा जाता है कि यहाँ जो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है वहाँ पर नाग और नागिन का जोड़ा भी आता है और वो साल में एक बार दिखाई देता है और वो यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब ये देखिए हम सम्मेद शिखर की तरफ यात्रा करने के लिए चल दिए हैं, हम तैयार हैं यात्रा करने के लिए। रात के 12 बजे हम लोग उस दिन यात्रा करने के लिए निकल पड़े थे और उस दिन काफ़ी बारिश भी हो रही थी तो हमने अपना अपना रेनकोट भी लिया था। ऊपर जाकर ऐसा लग रहा था जैसे कि हम बादलों को छू रहे हैं पहाड़ी पर जाकर। तो कहते हैं कि सम्मेद शिखर जी की जो यात्रा है वो बहुत ही आसानी से दर्शन नहीं होते हैं, कई लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है रास्ते में ही। गिरडीह के जो तल से यदि देखते हैं तो इस पर्वत की ऊंचाई कम से कम 1350 किलोमीटर है और पार्श्वनाथ से समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 4480 किलोमीटर तक है। तो ये काफ़ी ऊंचाई पर है और ऑक्सीजन लेवल ऊपर जाकर काफ़ी कम भी हो जाता है, परंतु फिर भी लोग पूरे संयम और भाव से यहाँ पर वंदना करते हैं और भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करते हैं। और सभी टोंकों के आप यदि दर्शन करते हैं तो यदि जीवन में आप एक बार सम्मेद शिखर की भाव पूजा भाव वंदना करते हैं तो कहते हैं कि आपको नरक गति या पशु गति कभी भी प्राप्त नहीं होती, आपके लिए हमेशा स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। और इस पर्वत से कम जैन तीर्थंकर 20 मोक्ष गए थे। तो यहाँ का जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो सभी यात्रियों को प्राप्त होती है और वो आराम से यहाँ पर बिना किसी बाधा के यात्रा कर लेते हैं। तो जब भगवान पार्श्वनाथ के लड्डू का जो महोत्सव होता है उसको मनाने के लिए यहाँ पर हजारों यात्री उस दिन आते हैं और काफ़ी भीड़ भी रहती है। और ये देखिए फिर भी हम भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ का जो मौसम है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है उस दिन, तो मतलब आपको कोई भी परेशानी या मुश्किल नहीं होती है। तो ये देखिए हम भगवान पार्श्वनाथ की टोंक पर अब लड्डू चढ़ा चुके हैं और अब हम वापस नीचे की साइड जा रहे हैं। तो दोस्तों वैसे तो आप काफ़ी बार वंदना करने के लिए सम्मेद शिखर जी की यात्रा करते ही हैं, परंतु एक बार आपको जो भगवान पार्श्वनाथ के लड्डू का जो महोत्सव है उसको भी मनाने आना चाहिए और यहाँ पर दर्शन के का लाभ उठाना चाहिए। ये देखिए अब हम वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो हम वापस स्टेशन पर आ चुके हैं और हम वापस लौट रहे हैं। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।